लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं अपने पीसी पे बैठ के एक वीडियो एडिट कर रहा था, तभी मेरे को एक फोल्डर दिखता है अपने पीसी के अंदर, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स। तो इस फोल्डर को देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अपने इस फोल्डर के अंदर जो जो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स हैं उनको विजिट किया जाए एंड लिया जाए थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया का मजा। तो आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड लेट्स बिगिन। ओके, तो मैं इस फोल्डर की बात कर रहा हूँ एंड इस फोल्डर को अभी मैं आप लोगों के सामने खोलने वाला हूँ। हो सकता है ये खाली भी हो और फिर मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। बट हेयर वी गो, 1, 2, 3। ओ माय गॉड, एलपीडो सर्वाइवल। वेट, ये मेरी पुरानी सर्वाइवल की वर्ल्ड है क्या? मुझे कुछ नहीं पता, लिटरली मैंने इस फोल्डर को नहीं खोला है इस वीडियो से पहले। ये द सस्पेंस इज किलिंग मी। लेट्स सी क्या होने वाला है इस वर्ल्ड में। ओ माय गॉड, ये मेरी पुरानी सर्वाइवल की वर्ल्ड है जिसमें मैं क्रिएटिव में हूं। जस्ट एल्बिडो थिंग्स, मेरी स्किन, मेरा पुराना घर, मेरे पेट्स भी हैं क्या यहाँ पे? मैं लिटरली भूल भी चुका हूँ इसका क्या नाम था भाई। थूकी कितना अजीब सा बच्चा था, मैंने इसका नाम थूकी क्यों रखा? हाय थूकी, और क्या है भाई इसके अंदर क्या? एक सेकंड में सो जाता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेता वरना मेरी भी जान जाएगी और थूकी की भी। होपफुली पेट लगाओ अंदर। हाँ वेट, अलाइट्रा भी था मेरे पास। वेट, मैंने अपनी सर्वाइवल वर्ल्ड में अलाइट्रा ले आया था क्या? मैं चिटिंग करके ही लाया हूँ। और ये हाँ की बहुत आवाज आ रही है। ये विलेजर्स किधर है? इतना करीब बना हुआ क्या विलेज? वेट, मैंने पूरा विलेजर्स का रूम बनाया अंदर। वट, इतने सारे विलेजर्स? अरे आयरन गोलम की, हेलो हेलो गोलम, हेलो हाय, हेलो मेरी तरफ देख, हेलो इधर इधर, ओ ओ हेलो हेलो। हाँ हाँ, मेरे को अटेंशन मिली गई। चलो मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तुम लोग बाहर मत आना। ओके बाय बाय। ओके थूकी है यहाँ पे, मेरे विलेजर्स हैं। ये क्या भाई, ये मैंने ही बनाया था क्या? वेट, मेरे पास खाना नहीं है, ये क्या चीज है? वेट व्हाट इज दिस? व्हाट, ओ भाई ये लिफ्ट है क्या? मुझे खाने की जरूरत है, होपफुली इनके पास कुछ खाना होगा या मुझे ले जाना पड़ेगा ऊपर, चेस्ट से लेना पड़ेगा लग रहा है। चेस्ट में है मेरे कुछ सामान पड़ा है या खाली है? ओ वेट, बहुत सारा सामान है, खाना नहीं है बट खाना 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 खाना। अरे ये रहना ब्रेड, लेट्स गो लेट्स गो बॉयज लेट्स गो। अरे यार इनको कोई, इनका साउंड बंद कर दूं, रुक जाओ ये बहुत बोल रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं लिटरली, ओ एक सेकंड, मेरे को पिक भी दिखा। वेट, पिक भी था मेरे पास पेट में। हेलो, इसका नाम क्या है? सुरु बंटा है। हेलो भाई, हेलो हेलो, सॉरी मैंने तेरा नाम ये रखा, मैं बहुत अजीब सा बच्चा था। और मेरा लिटरली इस वर्ल्ड को खेलने का दिल चाह रहा है दोबारा से, लाइक सर्वाइवल सीरीज दोबारा से शुरू करने का दिल चाह रहा है। बट इस वर्ल्ड में आई एम श्योर मैं सब कुछ कर चुका हूँ, मतलब यहाँ पे मेलन फार्म भी लगा हुआ है मेरा। और वो भाई वीट फार्म देखो, वीट फार्म, व्हाट इज दैट? एक्सपी फॉर्म। वेट, ये काम भी करता है क्या? मेरे को टूल्स लेने हैं थोड़ा सा, मैं पूरी वर्ल्ड को घूमूंगा। और ये क्या नीचे बनाया हुआ है मैंने? एक सेकंड, ओ माय गॉड, डोंट टेल मी एन्चेंटिंग रूम। या क्या है, या क्या है? ओह ये माइन होगी मेरी। गॉड, मैंने इतना डिटेलिंग से कैसे बनाया हुआ है ये? दिस इज ऑसम भाई, लिटरली अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है। और भी मेरे को इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। ये क्या चीज है अजीब सी? वेट व्हाट इज दिस? आयरन फार्म, आयरन फार्म भी बनाया था मैंने। वेट अभी ये काम करता है या नहीं? अभी तक काम कर रहा है क्या ये? पता नहीं 2020 में खेला होगा मैंने ये सर्वाइवल या 21 में। ओ माय गॉड, आयरन लिटरली मिल रहा है मुझे। वेट, मैं इसी आयरन को यूज करके अपना सारा नेट सामान बनाऊंगा। ओके, इसके अंदर क्या है? मेरे डॉग्स हैं। वेट, मेरे डॉग्स हैं, ये मेरे को अब तक छानते नहीं है, मैं इतने टाइम बाद आया हूँ, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे मैंने रेड भी जीती हुई है इस विलेज में, मेरे पास हीरो ऑफ द विलेज का वो है। यस, हीरो ऑफ द विलेज हूँ मैं। सारा सामान है कुत्तों का, एक सेकंड मैं इनको खिला सकता हूँ ना ये? शायद मैं खिलाता हूँ, शायद दोबारा मेरे दोस्त बन जाए। ओ वेट आइस, चलो इन दोनों के लिए ही था बस खाना, तुम लोग भूखे रहो। और कितना प्यारा सा घर बनाया हुआ था मैंने यार। ओके, तो मेरा क्राफ्टिंग टेबल किधर है? क्राफ्टिंग क्राफ्टिंग टेबल, ये रहा, स्टिक्स चाहिए मुझे थोड़ी सी। ओके, तो मैं बना रहा हूँ एक पिकैक्स, मैं बस ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अच्छे से वर्ल्ड क्या हुआ है इसमें, इतने टाइम बाद मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर मेरी एक्स आ गई और यहाँ पर मेरी सोर्ड आ गई। नाइस, आर्मर भी बन जाएगा इससे पूरा। पता नहीं कौन सा दुश्मन पुराना मेरे को मिल जाए, मुझसे बदला लेने बैठा हो इतने सालों के बाद। Can we are all set? थोड़ा सा और खाना ले लेता हूँ, कुछ खाना वाना पड़ा है मेरे पास। और इतना सारा अच्छा अच्छा सामान क्यों है मेरे पास? ये भी रख लेता हूँ, वो अनब्रेकिंग वाली, मुझे वो देखना है वो क्या बनाया हुआ है मैंने उधर दूर दूर। जाएगी मेरे साथ या नहीं? वेट, ये चलता है या नहीं चलता? हेलो व्हाट? चलो यार इसके बड़े नखरे हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इसको ले जाऊं, इसको ले जाऊं साथ? नहीं, ये तो मुझसे भी ज्यादा स्लो चलता होगा। वेट व्हाट, ओ माय गॉड, मेरा वीट फार्म देखो कितना एपिक है। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। मेरे को वो देखना है मेरा एक्सपी फार्म काम करता है क्या या नहीं। आई एम प्रीटी श्योर मैंने 2 से 3 बार
एक्सपी फार्म बनाने की कोशिश की थी एंड मैं फेल हो गया था, बट मैंने आयरन फार्म सक्सेसफुली बना लिया था, मुझे इतना याद है अच्छे से। बाकी उसके अलावा माय मेमोरीज आर फेडिंग बिकॉज ये बहुत टाइम से मैंने वर्ल्ड नहीं खेली, बट ये दिखने में तो एक्चुअली एटलीस्ट कूल है। बहुत ऊपर जाना है भाई, बहुत ऊपर राइड है। गॉड, यहाँ भी एक लिफ्ट लगा देता ना, आई एम प्रीटी श्योर ये काम नहीं करता, और ना यहाँ पर गिर रहे होते अभी वो एनिमीज। ऊपर में भी कुछ नहीं पड़ा, आई न्यू इट, बट एटलीस्ट मैंने ये ध्यान में रखा कि नीचे पानी हो ताकि मुझे आराम से नीचे आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वाला काम करता है क्या बेट? इसकी तो हालत देख के लग रहा है ये खराब सा हुआ है। क्या बनाया भाई मैंने? मुझे याद है ये रेडस्टोन वगैरह के काम मुझसे नहीं होते थे माइनक्राफ्ट में। मुझसे बिल्डिंग्स बनवा लो जितनी भी बड़ी बड़ी, बट मैं ये सब नहीं बना सकता था। ये हर जगह को मैंने ऑलरेडी खोद रखा है तो ज्यादा। अरे वो देखो दूर से कितना प्यारा लगता है मेरा घर। स्क्रीनशॉट ले लेता हूं थंबनेल के लिए। चलो भाई, इस वर्ल्ड को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। बहुत ज्यादा मजा आया इस वर्ल्ड में आकर। कभी मौका मिला तो दोबारा विजिट करूंगा इस वर्ल्ड को। अलविदा, बाय बाय। ये क्या चीज है, मिलेनियर वर्ल्ड? मुझे आज गजनी की तरह फील हो रहा है, जैसे मेरे को पुरानी यादें मेरी वापसी डाल रहे हैं मेरे दिमाग में और मुझे कुछ याद नहीं है। ओके, देखते हैं इस वर्ल्ड के अंदर क्या है। इसका नाम मिलेनियर वर्ल्ड क्यों है मैं भूल चुका हूँ लिटरली। ओके, स्पेक्टेटर मोड में आ गया हूँ, देखता हूँ इस वर्ल्ड के अंदर क्या है। वो व्हाट व्हाट व्हाट, वेट, यहाँ पे ये घर क्यों बना हुआ है? ओ व्हाट, इतने बड़े बड़े घर क्यों है इस वर्ल्ड में? ये मैंने कब बनाया भाई? वेट, व्हाट इज इन दिस बैंक? ओ वेट, कौन हो भाई आप? हेलो, इधर आओ, बात सुनो मेरी। ठीक क्या थी इसने पेपर पे कुछ लिखा है? मिलियनेयर पास, व्हाट इज दिस? क्या है चीज है ये? ओ व्हाट, गोल्ड पड़ा है, ये तो मैं ले रहा। बट ये बैंक का गोल्ड है तो मैं एक्चुअली रॉबरी कर रहा हूँ। ये विलेजर्स ने आज तक मक्खी नहीं पकड़ी, मुझे पकड़ेंगे। आप वहीं देखते रहो, मैं लूट से भी ले गया हूँ आपका बैंक। बाय बाय। ये मैंने कब बनाया लिटरली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं क्रिएटिव में जा रहा हूँ ताकि अच्छे से ले सकूं, बस मैं कुछ तोड़ ना दूं। व्हाट इज दिस, ये किसका घर है? यहाँ पे बेलकनी है, नाइस। गायें हैं यहाँ पर बहुत सारी। बेलकनी से इतना अच्छा व्यू मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हें पता है यहाँ कौन रहता है? हेलो, एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग टू यू। आपको पता है यहाँ कौन रहता है? Okay. I found a millionaire only server. ये वाली वर्ल्ड है क्या ये? Oh my God, मैं कितना गंदा दिखता था। तो मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा इधर। आप लोग बनाना अगर आप में से किसी को याद है इस वर्ल्ड में हमने एग्जैक्टली किया गया था। ओके, एक और वर्ल्ड मिली है मेरे को, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, यहाँ पे। ओ वेट, इज दिस व्हाट आई थिंक इट इज? ओ माई गॉड, किसी लोगों को नहीं पता ये कौन सी जगह है, तो आप एक ओजी नहीं हो। दिस इज द लेजेंडरी मॉब बैटल अरीना। ये वो माइनक्राफ्ट सीरीज है जो कि मैंने स्टार्ट की थी एंड देन बहुत सारे लोगों ने कॉपी की थी। बट इस अरीना के अंदर इतने मॉब्स का खून बहा है। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो इतनी सारी जो स्नो पड़ी है ना, वो स्नो गोलम की बॉडी है, वो भी लिटरली पिघल गया यहाँ। अगर आपने मेरी मॉब बैटल वीडियोस नहीं देखी ना भाई, जाके देखना और मेरे पुरानी शक्ल को इग्नोर कर देना, बट जो कॉन्टेंट था ना। तो देखो यहाँ पे आग वाग लग रही है, आई थिंक ये अरीना जल जाएगी पूरी। भाई ये लिटरली ऐसा लग रहा है मैं बहुत कोई 20-25 साल बाद इस अरीना में आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिटरली मेरा स्नो गोलम जो मेरा फेवरेट मॉब था इस सीरीज का, वो यहाँ पिघल के मर गया है। दिस इज ऑसम। और वहाँ पे बेचारा आयरन गोलम किसी मॉब से पिटके खड़ा हुआ है वहाँ पे। काश यहाँ पे सारे वो मॉब्स भी होते अवेलेबल। ओह माय गॉड, दिस इज एपिक। एंड आपको भी अगर इस वीडियो को देखने में मजा आया तो एक लाइक का बटन दबाने में क्या जा रहा है आपका? फ्री है। एक और चीज भी फ्री है, सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ही मजेदार कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी अभी जिस सीरीज की मैं बात कर रहा था मॉब बैटल, अगर आपको वो देखनी है तो यहाँ पर ये इसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, तो आप लोग क्लिक करके यहाँ पर वो सारी मॉब बैटल्स देख सकते हो। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय।